Hi friends, welcome back to our channel Cooking with Little John. आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन स्पेशल ब्रेकफास्ट इडली, जो सबकी फेवरेट है। चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। इडली बनाने के लिए हम लेंगे 2 कटोरी चावल, 1 कटोरी उड़द की दाल और 1 कटोरी पोहा। ये वही पोहा है जिससे हम कांदा पोहा बनाते हैं। चावल और उड़द दाल को अच्छे से वॉश करके अलग अलग भिगो के रखना है 8 से 10 घंटे के लिए। चावल और दाल अच्छे से भीग गए हैं। अब हम पोहा वॉश करेंगे और मिक्सर में सब अच्छे से ग्राइंड करेंगे। इसी तरह से मैंने सारा चावल, दाल और पोहा ग्राइंड कर लिया। अब हम इस मिक्सचर को 10 से 12 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रखेंगे। अगर आप ठंड के मौसम में इडली बना रहे हैं तो 12 से 15 घंटे रख दें ताकि बैटर अच्छे से फर्मेंट हो। ये देखिए हमारा इडली बैटर कितनी अच्छे से फर्मेंट हो गया है। इसमें हम नमक ऐड करेंगे। इसी बैटर में थोड़ा सा पानी मिलाकर आप डोसा भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं डोसा में कितनी अच्छी से जाली बनी है। चलिए अब हम इडली को स्टीम कर लेते हैं। इडली के कुकर में याद से पानी लेना है, वरना इडली हमारी जल जाएगी। अब हम इडली प्लेट को ऑयल से ग्रीस करेंगे ताकि स्टीम होने के बाद इडली आसानी से निकल सके। अब हम इसमें बैटर ऐड करेंगे। अगर बैटर अच्छे से फर्मेंट हो तो इडली, डोसा बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अगर आपको डोसा रेसिपी के लिए सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। इसी तरह से सारे प्लेट में इडली बैटर ऐड करें और कुकर को ढक के गैस पे चढ़ा दें। पहले 5 मिनट के लिए फ्लेम हाई रखें और बाद में 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इडली स्टीम करें। देखिए हमारी इडली तैयार हो गई। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी से इडली फूल गई है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली बनी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।